हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ पहाड़ी मेले में, जो कि देहरादून के परेड ग्राउंड में लगा हुआ है। यह मेला 4 नवंबर से 13 नवंबर तक लगा रहेगा। और आप देख सकते हैं, मैं रात के समय पर यहाँ आई हूँ, तो देखिए पूरी लाइट्स चमक रही हैं पूरे मेले में। और काफ़ी मतलब इतनी अंदर जाके देखते हैं, अंदर तो यहाँ बाहर तो काफ़ी शांति है, लेकिन अभी अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसा है। और साथ में मेरी मिस्टी आई है मेरे साथ, और कुकी और उसके पापा गाड़ी में हैं, और हम दोनों लेके चलते हैं आपको अंदर, मेले की सैर कराते हैं। और यहाँ हमने गेट से एंटर कर लिया है, और स्टार्टिंग में ही देखिए काफ़ी सारी शॉप लगी हुई हैं। और देखिए आप लोग, यहाँ पर कालीन है बड़े सस्ते दामों पर हैं, लगभग 1000-1200-800 तक आपको ये कालीन मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इनका रेट पता किया था। और ये यहाँ पर क्रॉकरी वगैरह लगी हुई है, काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहे हैं इन सब के। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विंटर सीजन के सारे कपड़े मिल रहे हैं, ब्लैंकेट हैं, स्वेटर हैं, गर्म कुर्तियाँ हैं, शॉल है, स्टॉल है, कैप्स वगैरह सारी चीज़ों की यहाँ पर शॉप लगी हुई है। और अगर आप लोगों को भी कुछ लेना हो, पसंद आए, तो आप भी लोग मेले में आ सकते हैं, और इन्जॉय करना है तो साथ में चरखी भी लगी हुई है। तो ये एक और स्टॉल लग रखा है क्रॉकरी का, और कालीन के तो 3-4 स्टॉल लगे हुए हैं मैंने देखे हैं, और काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं यहाँ पर। और फुट मैट वगैरह, कालीन, सारा कुछ सामान आपको मिल जाएगा। और रात का समय है तो कुछ कुछ स्टॉल बंद भी हो चुके हैं, और काफ़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर, संगीतकार गायक आ रखे हैं, और जो लड़के लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं गानों के साथ, बच्चे लोग खेल रहे हैं अपना। और रात को चरखी में कोई नहीं बैठा है, तो चरखी ऐसी घूम रही है। और ये देखिए यहाँ पर सोफ़ा वगैरह है, डाइनिंग टेबल सेट है, और कितने प्यारे प्यारे सोफ़े बने हुए हैं, और बहुत ही पसंद आ रहे हैं ये, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी शांति भरा नज़ारा है रात का। और ये यहाँ पर कॉइन बॉक्स हैं बच्चों के, पिग में, टॉटॉय में, देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। मेरी मिस्टी के पास था तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई हूँ, वैसे इसका प्राइस पूछा था तो मैंने 150 था, 1। तो यहाँ मेले में आपको मिल जाएगा घर का बना हुआ टेस्टी, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस अचार में, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। और मिर्ची का अचार पूछा था मैंने तो ये 600 रुपये केजी था, और इसकी खुशबू मुझे यहाँ खींच कर लेकर आई। तो ये देखिए यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों के मॉडल भी बनाए हुए हैं, और पहाड़ी मेला है तो यहाँ पर क्या है, ढोल, हुड़का, हुक्का, कोठार, सारी पहाड़ की चीज़ें, मतलब जो खेती बाड़ी गांव की चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों को दर्शाया गया है, दथड़ी वगैरह। और अभी हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ढोल, दमाऊँ, और ये यहाँ पर हुक्का हो गई, गढ़वाली नथली हो गई जो हम नाच में पहनते हैं, और काफ़ी सारा सामान का मतलब मॉडल बनाए, गगरी, कंठा, गागर, काफ़ी कुछ बना रखा है यहाँ पर, और बाहर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए एक नज़ारा पूरे मेले का, रात का बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पहाड़ी मेला है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे मॉडल बना रखे, क्या कलाकारी दिखा रखी है जिसने भी बना रखा है, और मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये देखने को, ये कितने आकर्षक लगते हैं ये चीज़ें। और मेले से वापस आते समय मिस्टी को ये प्लास्टिक का एयर इंडिया का एरोप्लेन पसंद आया, तो ये मैंने 40 रुपये का ख़रीद लिया है। और अब हम निकल रहे हैं अपने घर को, घर को ना मतलब गाड़ी के पास जाते हैं, जहाँ मिस्टी के पापा और कुकी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और रात का समय था तो मतलब मेन गेट से कोई भी नहीं जा रहा है, सारे ये छोटे छोटे ये रास्ते बना रखे जिसने भी बना रखे हैं उनसे ही हम आ रहे जा रहे हैं। और ये सामने मिस्टी के पापा इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी में, और कुकी भी उठी हुई है, तो अभी मिस्टी भी चले गई है और मैं भी चले जाते हैं, तो अब हम घर को निकल लेते हैं। कुकी को बड़ा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है कुकी को रात का नज़ारा, काफ़ी लाइट्स चमक रही है ना बाहर, और कुकी बहुत खुश हो रही है। है कुकी बहुत खुश हो रहा है ना मेरा कुकू। मैं तो
इसमें बैठे थे ना हम। मिर्ची तो मैं तो क्या पता कुकी कितना लार टपका दिया इस कुकी ने है? ऐसे मत कर कुकू मेरा बच्चा बुआ हाँ यहाँ देख मेरा बच्चा बुएबल तो आते समय हमने मेला देखा परेड ग्राउंड में और मिस्टी को ये हेलीकॉप्टर पसंद आया। क्या ये एयर इंडिया का एरोप्लेन है? ये एरोप्लेन एयर इंडिया का। तो मिस्टी ने ये लिया। अब इसमें बैठ के कहाँ जाएगी मिस्टी? अंदर जाते हैं उसकी बैठ के। इसको बैठ के अंदर जाएगी? कहाँ अंदर जाएगी? तभी दो वो नकली का है। नकली का है ये? असली का लेके आएंगे ठीक है? बड़ा वाला? हाँ बड़ा वाला। कैसे लाएंगे? लाएंगे ना बाजार से लाएंगे। घूम रहा था ये उधर ये बार हेलीकॉप्टर लाना। कुकी खाज रही है। कुकी देख कुकी कुकी ने कितना लाट टपका रही है कुकी। तो दोस्तों अभी हम सो जाते हैं और जाने से पहले मेरे चैनल को क्या करें मिस्टी? लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट शुभ रात्रि। कल मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। कुकी बाय करो, कुकी बाय कर दे गुड नाइट की।